सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बंद से बदतर हो चुकी हैं, जहां विभागीय कर्मचारी की लापरवाही किसी भी मरीज पर भारी पड़ सकती है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर के उसका थाना क्षेत्र के तेतरी चौराहे का है, जहां सुबह एक साइकिल व बाइक में टक्कर हो जाती है, जिससे एक 44 वर्षीय व्यक्ति साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उसे नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका पहुंचाया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक अस्पताल में परिजनों के भटकने के बाद भी इलाज नहीं हुआ और स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की ओर से लापरवाही के चलते घायल व्यक्ति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन मामला और बढ़ जाता है, जिसके बाद क्षेत्र के SDM व CO और चार थानों की पुलिस भी आ जाती है। CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश चौधरी ने बताया कि मरीज को OPD में लाया गया, जहां पर नर्स व फार्मासिस्ट ने फर्स्ट एड दिया था, लेकिन डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में थे। इमरजेंसी से OPD में जाने में जितना टाइम लगा और व्यक्ति की मौत हो गई थी। यहाँ पर आए हैं, चल के आए हैं, उसके बाद लेकर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। क्यों आप OPD में गए या इमरजेंसी में लेकर आए? वहाँ पर गए, वहाँ पर झाड़ रहा था बाहर और क्लीनिंग पाउडर लगा रहा था। कौन लगा रहा? चल रहा था। कौन चला, चलो आ रहे हैं। कौन कह रहा था? कोई डॉक्टर। कौन मतलब जो बॉडी आई थी, फैमिली आई थी, वो एक ऑटो पे लेके आए थे, जो सिलेंडर केस था, वो हमारे OPD में लाए। वहाँ पे फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ने थोड़ा अटेंड किया, और चूंकि OPD टाइमिंग 10 to 4 है समय, तो तुरंत डॉक्टर साहब इमरजेंसी से वहाँ गया, उन्होंने तुरंत अटेंड किया, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया। उम्मीदवार जावेद आबादी को चुनाव